अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दे रही हूँ, छोटा सा ओवरव्यू। वो तो लंबा ही जाएगा, इसलिए कि प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन वो बहुत सारी जगहों पे रखे हुए हैं, इसलिए कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे घर में नहीं आती है, तो जगह जगह उनको रखा हुआ है। और कुछ जगह ऐसी हैं जैसे मैं वहाँ पर जाकर नहीं बना सकती वीडियो, घर से बाहर भी रखे हुए हैं, ऊपर की तरफ रखे हुए हैं। तो जो है सामने वो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरे रेसिना का बहुत बड़ा प्लांट। रेसिना की मेरे पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं और सब के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े ट्री की शक्ल हो गए हैं और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से रखे हुए हैं। ये लगाया हुआ है मैंने 20 इंच के पॉट के अंदर। साथ ही आपको दिखाई दे रहा है रबर प्लांट, ये भी जानी समझिए मैरून कलर का जो होता है ये वो वाला है। इधर आप अगर देखेंगे तो मेरा एलोवेरा ना ही देखें, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बाहर भी लगाए हुए हैं तो कंडीशन की थोड़ी ख़राब है, अब दोबारा से मैं इसको ठीक करूँगी। यहाँ पर लगाया हुआ है, आप ये देखिए, रबर प्लांट की एक और वैरायटी। और मैं हर प्लांट का नाम आपको नहीं बताऊँगी, इसलिए बहुत प्लांट है, वीडियो बहुत लंबी जाएगी। कुछ प्लांट जो ज़रूरी होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्लांट रखे हुए हैं। ये मनी प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े लीव्स हैं। और यहाँ देखें, ये है एक लिफा प्लांट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये है मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट जो एक प्लांटर में लगा हुआ है। प्लांटर की हालत बहुत ख़राब है लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर मिट्टी भी बहुत आती है, हर रोज़ इसको मैं वॉश करती हूँ और दोबारा से यहाँ पर मिट्टी थोड़ी देर बाद आ जाती है। और टेढ़ा मेढ़ा होकर लटका हुआ है लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है। नीचे आप देखें, यहाँ पर देखिए आप, ये सारी इसकी वैरायटीज़ हैं हमारे मनी प्लांट की जो अभी मुझे सही करनी है। और अगर आप यहाँ से आते हैं यहाँ, तो यहाँ आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये है हमारा यहाँ पर बैम्बू पाम जो कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ग्रेसिना की एक वैरायटी आपको ये भी दिखाई देगी जो साइड में रखी हुई है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा हमारा जो है ये प्लांट हो गया है। अब आते हैं हम वापस अपनी जगह पर। यहाँ देखिए, ये जो वैरायटी है ना क्रोटन की, ये बहुत ही प्यारी है। ये देखिए कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं और ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया, काफ़ी पुराना प्लांट है। अब यहाँ देखिए आप, ये पेंसिल कैक्टस मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले दिखाया था, मेरा बहुत ही बड़ा हो गया है, बांधा हुआ है हमने और ये ऊपर ही जा रहा है। और इसके बहुत सारे प्लांट्स मैंने तैयार कर लिए और मज़ीद इसमें नए नए ब्रांचेज निकल लिए। देखिए आप, ग्रीन ग्रीन सी लाइट ग्रीन कलर की, तो ये प्लांट बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर है, ये देखिए, यूफोर्बिया कॉटिनीफोलिया, ये भी मेरा बहुत पुराना प्लांट है, बहुत नाजुक प्लांट है, बहुत ईजिली टूट जाता है और बहुत देर की जरूरत लाइट क्योंकि बताती हूँ मैं नहीं आती है, तो थोड़ी देर के लिए आती है 10-15 मिनट की साइड। तो देखिए इसमें भी ये थोड़े थोड़े अपने कलर लीव निकाल रहा है। नीचे देखिए आप, ये अरेलिया की एक वैरायटी है पीछे जो रखी हुई है। यहाँ आप देखिए, अच्छा यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने ये देखिए टेंगल हार्ट को मैंने यहाँ रखा हुआ है, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। अच्छा, धूप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आती है ना, जब छेड़ी एरिया में रखा था ना बिल्कुल, तो ये अच्छे नहीं हो रहे थे और अब मैंने यहाँ रखे तो ये थोड़े से लंबे लंबे भी होने लग गए टेंगल हार्ट, बहुत अच्छे हो रहे हैं। और डायरेक्ट सनलाइट में तो माशाल्लाह ये बहुत ही क्यूट हो जाते हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे कि छेड़ी एरिया के रखे प्लांट और डायरेक्ट सनलाइट में 3 से 4 घंटे के रखे प्लांट में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। वो इतने मैरून पिंक और मैरून टच लिए हुए जाते हैं कि क्या बताऊँ। ये देखिए यहाँ पर ये प्लांट है, इसी के साथ देखिए यहाँ पर एक प्लांट मेरा इसको ख़राब हो रहा है, मैं उसको चेक करती हूँ ये क्या हो रहा है इसको। अच्छा, इसी के साथ आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये है हमारा इतना खूबसूरत सा, ये है देखिए, देखना इतना अच्छा इसका ये प्लांट हो रहा है। ये धूप से मैं बाहर डायरेक्ट जो रख यहाँ पर देर तक आती है वहाँ से लेकर मैं आ गई हूँ और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये भी एक मेरी उसकी वैरायटी है क्रोटन की और मुसलसल इसमें फ्लावरिंग हो रही है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये दो प्लांट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों अब रखे हैं लाइन में लगे हुए, 3 प्लांट धूप में जाने के लिए, बाहर जो रखे हैं वो अंदर आएंगे और जो अंदर वाले हैं वो बाहर जाएंगे। और यहाँ पर ये एक खरबूजे की बेल चढ़ गई है, बड़ी क्यूट सी हो रही है, मैंने कहा छोड़ो चढ़ने तो देखें कहाँ तक जाते हैं। ये ऊपर जा रही है, इसके ऊपर इसने इसको पकड़ रखा है। ये देखिए कि मेरा सारे यहाँ पर
पर्पल हार्ट रखे हैं जो बड़े ही क्यूट लग रहे हैं। जो इसकी स्टिक्स है ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बड़ी यूनिक लगती है। यहाँ पर और आप आएँ तो यहाँ देखिए आप मेरे कुछ ये प्लांट है और इतने अच्छे हो रहे हैं, इतने सीड्स इसके निकल आए, इतने मैंने सीड्स से लगा भी लिए हैं। और आप यहाँ देखें सिल्वर स्पून प्लांट पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े प्यारे प्यारे हो रहे हैं इस वक्त ऑर्नामेंटल्स पाइनएप्पल के। आप यहाँ देखिए अल्टरनेंथ्रा की है, यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छे ग्रीन लश हो रहे हैं। इस तरफ आइए तो यहाँ पर भी आप देखिए इतने सारे प्लांट हैं। ये है पिसोनिया का जो बहुत ही प्यारा हो गया है इस वक्त। यहाँ आप नीचे आए तो आप देखिए ये मेरे कुछ और प्लांट्स रखे हुए हैं, ये देखिए। अच्छा, इसके नाम भी मैं जो है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये काफ़ी सालों से मेरे पास लगा हुआ है। पहले ये एक था, अब ये दो हो गए हैं। ये भी कोई लिली ही की वैरायटी है शायद, आप में से कोई पहचानता हो। देखिए बीच में इस तरह से ये बल्ब है इसके नीचे और ये इस तरह से इसके बीच में ऐसे वाइट सी लकीर आई हुई है, किसी को मालूम हो तो मुझे बताइएगा। एक हमें एक सब्सक्राइबर हैं जो उन्होंने ये मुझे बताया, इस प्लांट का नाम मुझे इसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बहुत ही प्यारा प्लांट है रियली, इनका नाम बताया, थैंक्स अगेन। और आप यहाँ देखिए ये सुपर डिटरमाइन की मैरून वाला भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये देखें ये है मेरा एलिफेंट ईयर जो मैंने कटिंग से लगाया है। कटिंग से मैंने तीन एलिफेंट ईयर लगा लिए हैं, पता है। मैं उसको ऐसे यहाँ से मैंने उसको कट करती हूँ नीचे से, और नीचे वाला फिर दोबारा यहाँ से निकल आता है और ये ऊपर वाले प्लांट लग जाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है पर्पल हार्ट, और ये पर्पल हार्ट कह रही हूँ, ये देखिए जी, ये देखिए सारे इतने अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर पेंसिल कैक्टस यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए सब बहुत प्लांट अच्छे हो रहे हैं। तो फर्न है, ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है, ऑरेंज स्पाइडर प्लांट, बहुत क्यूट लग रहा है। एक ही है बेचारे, उसका बेबी निकला है, इतना अच्छा हो गया, लेकिन अभी इसका साइड में कोई बेबी वगैरह नहीं निकला है। और ये एंथ्रमम भी बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ देखें और यहाँ पर आप देखिए मेरी जो वाइन है ये बहुत बड़ी बड़ी बांस तो इतनी बड़ी हो गई है, ज़मीन को टच कर रही हैं, बहुत लंबी लंबी ये वाइन्स हो रही हैं, ये देखिए। और साथ ही आपको दिखाऊं ये मेरे सीड से लगाया हुआ देखिए डेट पाम कितना अच्छा हो रहा है, बड़ा क्यूट सा लगता है। और साथ ही आपको दिखाती हूँ ये देखिए मेरा पान का प्लांट जो बहुत अच्छा हो गया, इतने बड़े बड़े लीव्स हो गए हैं, इसकी ब्रांचेस निकल ली हैं। और मैंने इसको यहाँ से दबा दिया तो देखिए ये एक और इसकी ये ब्रांच यहाँ पर लग चुकी है। और अब ये मैं अगर कट करूँगी कुछ अर्से बाद पीछे से तो मेरा एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। ये है अम्ब्रेला प्लांट, यहाँ पर अरीका पाम रखा हुआ है जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये है यूका, यूका भी बहुत अच्छा है। ये डेट पाम मैंने इस बॉटल में लगाया हुआ है, देखिए छोटी सी बॉटल के अंदर, ये देखिए। और पानी थोड़ा डाल देती हूँ तो पानी लेता रहता है और बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी स्पेस में ये लगा हुआ, अभी तो जो ख़राब हो गया, जो काफ़ी अर्से पानी बहुत पीछे रखा था, पानी इसको नहीं डल सका, तो अब मैंने डाल दिया है दोबारा से। यहाँ पर सारे मेरे लगे हुए हैं डिफरेंट बाकिया, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट, यहाँ देखिए एक और वाइन हमारी उसकी, ये देखिए ड्रिम्फ्यूजिस मैक्यूलाटा, यहाँ पर ये चाइनीज़ एवरग्रीन का वैरायटी ये रखी है, एक वैरायटी ये रखी है। और आगे आते चले जाएं, ये एक फर्न का है। अच्छा, प्लांट्स को चेंज करते रहिए, अगर आपको जहाँ प्लांट आपका अच्छा ग्रो कर रहा हो ना, फिर आप उसको वहाँ रखिए। ये कई जगह से घूमता हुआ अब यहाँ पर आया है, काफ़ी सूखने से लग गया था गर्मी की वजह से, अब मैंने यहाँ रखा है पौधों के दरमियान में ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो आप देखिए ये मेरा चाइनीज़ एवरग्रीन का जो कि बहुत ही बड़ा प्लांटर हो गया है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इसके लीव्स मुसलसल निकल रहे हैं और बहुत अच्छे निकल रहे हैं, और साथ ही इसमें फ्लावरिंग भी हो रही थी जो मैंने आपको कई दफ़ा दिखाई भी है। मतलब ये पोर्शन मेरा जो है, मुझे ये साइड बहुत अच्छी लगती है। साइड में अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए आप मेरा ये प्लांट है, और यहाँ भी फर्न है। यहाँ देखिए मैंने एक अपना यहाँ पर आके रखा है, चूँकि इसको बहुत गर्मी लग रही थी और यहाँ जाके अब ये ठीक होना शुरू हो गया है। साथ ही फिर बाकिया ये देखिए, ये फर्न जीजी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, ये देखिए यहाँ पर फर्न रखे हैं, ये देखिए सेंचेजिया का प्लांट है जो सफ़र करता हुआ अब यहाँ पहुँचा है, बिल्कुल धूप में जलने लग गया था। धूप आती नहीं लेकिन तपिश आती है ना जो भी, और लू चलती है तो फिर सारे पौधे ख़राब होते हैं। फिलोडेंड्रॉन रखे हैं, ये सारे मेरे फर्न रखे हुए हैं।
यहाँ पर चार इंदर ग्रीन की कुछ वैराइटीज़ रखी हुई हैं देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पर है मेरा एलिफेंट ईयर जो मुझे बहुत इस वक्त तंग कर रहा है, लेकिन देखें इसकी ये ब्रांच सूख जाती है, एक और नया लीफ निकल रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं, कटिंग्स तो साल भर आप लगाते रहिए, इससे आप पीछे मत हटिए, बस उसको कवर कीजिए, कभी किसी शेडी एरिया में रखिए और लगाते ही रहिए। ये देखिए कितना प्यारा चाइनीज एवरग्रीन का नया लीव निकल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर भी कुछ प्लांट मैंने रखे हुए यहाँ पर, इसके अंदर इस तरीके से कुछ प्लांट मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब आप इधर आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी मेरे कुछ प्लांट रखे हैं, मदर ऑफ थाउजेंड है, साथ है ये फाइकस है, ये देखें ये प्लांट कितना खूबसूरत हो रहा है, ये है वाटर मिलन प्लांट कहते हैं इसको, कुछ इसकी स्किन जो है वो वाटर मिलन की जो ऊपर स्किन होती है उससे मिलती जुलती होती है। यहाँ पर आप देखें मनी प्लांट और साथ ये फिलोडेंड्रॉन और साथ फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील, यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त ये प्लांट हो रहे हैं, इनके लीव्स देखें इतने बड़े बड़े। मैंने अपनी उसमें जितने भी प्लांट देखे हैं नर्सरीज वगैरह में, मैंने इतने बड़े बड़े फ्लेट उनके इसकी वैरायटी इतने बड़े लीव्स नहीं देखे, बहुत बड़े बड़े लीव्स हो रहे हैं, मेरे हाथ के बराबर हो रहे थे बड़े बड़े, और ये देखिए इतने खूबसूरत है, और इसकी ब्रांचेस जो हैं ऊपर चलती चली गई हैं, बहुत अच्छी जा रही है, मैंने यहाँ ऊपर कह दिया, और हर नया लीव इतना क्यूट निकलता है और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। देखिए ये फिलोडेंड्रॉन की ये वैरायटी की तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है, साथ यहाँ देखिए यहाँ भी बहुत सारे प्लांट हैं। इस वक्त मेरा जो ये है डॉट के इस पर पेस्ट का अटैक हुआ हुआ है, कुछ नहीं दिख रहे हैं, और मैं इस पर मुसलसल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रही हूँ तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन, अब देखें क्या होता है। गर्मी बहुत हो गई है, इसको भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। इस सारे फिलोडेंड्रॉन यहाँ पर मेरे रखे हुए बहुत सारे, बीच में फर्न रखा हुआ है, ये देखिए फॉक्सटेल फर्न इसी में है, यहाँ पर आप देखें ये देखिए सारे यहाँ पर कोलियस रखे हुए हैं, साथ ये पर्पल शिमरॉक रखा हुआ है यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से काफ़ी सारे और बहुत अच्छे प्लांट इस वक्त हो रहे हैं। यहाँ आप देखिए ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, तो प्लांट्स तो खैर बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, देख देख के उनको बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए आपको कुछ और जगह भी दिखाती हूँ, वहाँ भी प्लांट्स बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। फिर बैक पोर्शन पे जहाँ पे सारे प्लांट्स मैंने जोड़ जोड़ कर रखे हुए हैं, और बीच में पानी की कमी हो गई थी इसकी वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स ख़राब हुए, कुछ प्लांट्स दोबारा से ड्राई हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा से सही होने शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें बेबी चेयर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पर मेरे कुछ कैक्टस रखे हुए हैं, कुछ कैक्टस दूसरी जगह रखे हुए हैं, ये देखें मैंने सीड से लगाए हैं इस वक्त इतने सदाबहार के प्लांट। ये जो आप देख रहे हैं सब रेन लिली, मैंने एक प्लांटर लिया था उसके मैंने 6 से 7 रेन लिली के इस तरह से देखिए आप ये प्लांटर्स तैयार कर लिए हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। साथ ही अगेव रखे हैं, पेंसिल कैक्टस रखा हुआ है, ये पिसोनिया रखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए आपको पीछे आपको फिलोडेंड्रॉन दिखाई देगा और एंथ्रम दिखाई देगा, ये देखें मैक्यूलाटा प्लांट कितने सारे मेरे घर में हो गए हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, यहाँ पर आप देखें ये लगाए मैंने जामुन के कुछ सीड्स डाल दिए थे, और कितने अच्छा प्लांट बड़ा हो गया है, इसको 1 साल के ये प्लांट हो चुके हैं और बस मैंने लगा दिए, मैंने कहा चले ग्रीनरी तो होती रहती है ना। और ये देखें यहाँ पर भी आप देखिए कितने अच्छे इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी धूप आती है तो थोड़ी फ्लावरिंग भी हो जाती है। अगर यहाँ है ये मेरा इमली का प्लांट जो एक छोटे से प्लांटर में लगा है, ये देखें कितना खूबसूरत हो रहा है ना, इतने बेबीज इसके गिर रहे हैं, कुछ लग रहे हैं जगह जगह, और ये देख रहे हैं आप इसके सारे सीड्स गिरे और इसमें कितने सारे बेबीज निकले, ये देख रहे हैं आप सारे बेबीज निकले सीड गिरने से। और यहाँ पर आप देखिए मधुकामी का प्लांट, और यहाँ पर चढ़ी हुई है मेरी एस्पैरिगस फर्न की वाइन जो कि बहुत ही अच्छी हो रही है, ये देखिए ये प्लांट, और यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट ये रखे हुए देखिए, क्रोटन की एक ये वैरायटी भी है जो बड़ी मुश्किल से गर्मी में सरवाइव कर रही है,
और पानी ना होने की वजह से अक्सर ख़राब जाते हैं। यहाँ देखिए मेरा ये एक पाम का प्लांट रखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें बेहतरीन ग्रोथ हो रही है मेरी इस वक्त प्लांट की। इस पर कितनी दफ़ा पेस्ट का अटैक हुआ और आखिरकार ये प्लांट मैंने बचा ही लिया, जो बहुत ही प्यारा हो रहा है। दूर तक मेरे प्लांटर्स रखे हुए हैं और ऊपर से पानी गिरा था तो सारा गड़बड़ भी करता रहता है यहाँ पर। और ये भी देखिए आप, यहाँ पर कुछ प्लांट्स अभी बहुत गुत्थम गुत्था हो गए हैं। ये मेरा इमली का प्लांट है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक इमली का प्लांट आपको वो भी दिखाई दे रहा होगा, वो बहुत बड़ा हो गया, इसके ऊपर सारी वाइन चढ़ गई है। और कभी अगर हमने घर शिफ्ट किया तो बच्चों लगता है कि सारे मुझे अपने प्लांट की वाइन जो है वो कट करनी पड़ेगी। वो देखिए सारी ऊपर है ना, ये कट करनी पड़ेगी। पहले भी मैंने अपनी स्पाइगस वन की सारी वाइन कट की और पॉट ले आई, पॉट से दोबारा से ये ग्रोथ हो गई इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए ये सारे और सारे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। बहुत सारे मेरे ये जो पोए का साग है उसके सीड्स बने हैं और ये सारे सीड्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। ये मेरा इतना बड़ा ऑरेंज का प्लांट आई डोंट नो क्यों सूख गया, कुछ समझ में नहीं आया, फिर दोबारा से इसकी ग्रोथ हुई है और इस पर हिस्से से बेल चढ़ गई है। ये मेरा अनार का पौधा है जो काफ़ी सूख सा गया था बीच में और अब दोबारा से इसमें ग्रोथ हो गई है। तो इस तरीके से प्लांट बहुत सारे हैं। ये और भी बहुत सारे प्लांट्स जो घर के बाहर रखे हुए हैं, कुछ दूसरी तरफ कैक्टस रखे हुए हैं और भी हैं। तो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा दोबारा से सेटिंग करूँगी तो आप लोगों को दोबारा से दिखाऊँगी वो सारे प्लांट। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।